लेग लर्न्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप यहाँ मेरे साथ खड़े रहो, जब आप बैटिंग कर रहे हो ऐसा आपका स्टांस है, ओके, आप बॉलर की तरफ देख रहे हो, तो लेग लर्न्स के लिए इतना आपको पता होना चाहिए कि बॉल आपका लेग स्टंप है, लेग स्टंप के लाइन में होना चाहिए या हल्का सा लेग स्टंप के बाहर, मगर वही बॉल अगर यहाँ होता है और आप खेलने जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो बॉल लेग स्टंप के लाइन में होना चाहिए और जब आप खड़े हो ऐसे तो आपका बॉडी ऑलवेज साइड ऑन रहता है, कभी बॉल यहाँ दिखता है तो आप कभी ऐसे नहीं होते बॉल खेलने के लिए, आप साइड ऑन ही रहते हो, जैसे आपकी बॉडी ऑलवेज साइड, हमेशा आप फेसिंग होते हो इस तरफ कवर पॉइंट की तरफ, मगर जब ये फेस इस तरफ हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ओके। तो यहाँ से आपको साइड ऑन रहना है और बॉल को पास में आने देना है, और बैट नीचे आती है वो सीधी ही आती रहती है, सिर्फ बॉल को जब कांटेक्ट हो रही है बैट तब बैट आस्ते मुड़ जाती है, ओके। वो मुड़ती है रिस्ट से मुड़ती है, यहाँ से ऐसे नहीं घूमना है आपको, सॉरी आपको यहाँ आ जाओ, ओके, आपको ऐसा आना है और सिर्फ यहाँ आके आपका रिस्ट मोड़ देना है, ओके। और बॉलर्स वैसे तेज डालते हैं तो बॉलर का स्पीड यूज़ करना होता है, कभी भी यहाँ का बॉल तेज़ मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बॉलर का स्पीड यूज़ करो, अपने आप बॉल चला जाता है।